हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के पार्ट नंबर 13 को। इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो 12 पार्ट हम लोग परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं और सभी बच्चों को पता होगा कि आज का जो पार्ट है वो हमारा रहेगा लास्ट पार्ट, यानी आज के बाद आपका परसेंटेज फिनिश हो जाएगा। आज शाम के जब हम लोगों की मुलाकात होगी प्रैक्टिस सेशन में, तो हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेशन का भी, और इसके बाद आपका अप्रोक्सीमेशन भी खत्म हो जाएगा। यानी कि परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के प्रैक्टिस सेशन को। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द सेशन ऑफ परसेंटेज। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, सभी बच्चों को मेरा राम राम सलाम दुआएं, और फटाफट हम लोग सेशन को करेंगे स्टार्ट, क्योंकि ये है सेशन आपका कुछ खास। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके क्वेश्चन, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको पता है टैक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनकी हम लोग स्टार्टिंग कर चुके थे, यानी शुरुआत हम लोगों ने कर दी थी। अब हम लोगों को करना क्या है, जल्दी से टैक्स वाले क्वेश्चन को समाप्त करना है, जिससे आज परसेंटेज का द एंड हो जाए। तो फटाफट एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशन को शेयर कर सकते हैं फटाफट आपको सभी बच्चों को शेयर कर देना है। और अगर आपको आज टैक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो कोई भी बच्चा बिना लाइक किए ही नहीं जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम पे हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो बच्चा कल से ये 25 जून की जगह, 25 जून आपका कल था, तो आपको पता है कि कल से आपका ये जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। किसका? आरआरबी पीओ का। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लासेस जो है वो शाम में 4 बजे होती है मैथ्स की क्लास, 5 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 6 o'clock इंग्लिश की क्लास होती है, इसके अलावा 3 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास है और 2 बजे कंप्यूटर का क्लास है। तो ये आपका टाइम शेड्यूल है। और ये वो सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस को। जल्दी से फटाफट सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, क्योंकि बिना किसी डिले को हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो देखिए क्या कहा पहले क्वेश्चन में, ध्यान से समझना है पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कहा गया है अ मैन एनुअल इनकम इंक्रीज टू ₹5 lakh बट टैक्स ऑन इनकम डेट ही हैज टू पे हैड रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%। देखिए इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की जो इनकम है वो क्या होती है, 5 lakh rupees से बढ़ जाती है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो टैक्स है वो 12% से क्या हो जाता है, 10% हो जाता है। तो आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जो इनकम थी वो कितनी थी, जस्ट इमेजिन करिए कि किसी व्यक्ति की जो इनकम थी मान लीजिए 100% थी। कितनी थी बच्चा? 100% थी। अब हुआ क्या, इनकम थी 100%, 5 lakh की वृद्धि हो गई, ठीक है, 5 lakh की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आप कहेंगे कि सर जो न्यू इनकम है, जो न्यू इनकम है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 + 5 lakh। कितनी हो जाएगी, 100 + 5 lakh हो जाएगी, ये हमारी न्यू इनकम। और ओल्ड इनकम हम लोगों ने कितनी मान रखी है, ओल्ड इनकम हम लोगों ने मान रखी है 100%। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए क्या हुआ, जो टैक्स है वो 12% से कितना हो गया, 10% हो गया। 12% से क्या हो गया, 10% हो गया। तो आप देखें इसका मतलब अब हमें टैक्स केवल 10% देना पड़ेगा, जबकि पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोगों को टैक्स कितना देना पड़ता था, 12% देना पड़ता था। अब टैक्स 10% देना पड़ रहा है, पहले कितना देना पड़ता था, 12%। उन्होंने कहा कि जब ऐसा हुआ नाउ ही पे और ₹10,000 मोर इनकम टैक्स देन द प्रीवियस। तो अब वो क्या कर रहा है, इनकम टैक्स पहले से ज्यादा पे कर रहा है। तो आप देखें ये हमारे पास इनकम थी, इनकम हमका हम लोगों ने जब 10% निकाला तो हम लोगों को क्या मिला, ये हमें मिला इनकम टैक्स ऑन द न्यू इनकम। यहां पे जो वैल्यू मिली है, यहां पे कौन सी वैल्यू मिली, इनकम टैक्स ऑन न्यू इनकम। और यहां पर हमें क्या मिला है, यहां पर मिला है इनकम टैक्स ऑन ओल्ड इनकम, किस पे, पुरानी इनकम पे इनकम टैक्स यहां पे मिला है। और उन्होंने कहा कि जो दोनों के बीच डिफरेंस है वो कितने का है, दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 10,000 का है, ऐसा उन्होंने बताया है। बस अब आपका काम क्या है, आपका काम केवल इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिएगा 100% का 10% जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ये वैल्यू आपके पास 10% आएगी। इतनी बात समझ आ गई है। अब आप देखिए यहाँ पे 5 lakh है, 5 lakh का हमें 10% निकालना है, 5 lakh का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50,000 आएगा, आएगा कि नहीं बोलो। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 12% आ जाएगी।
और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है, 10,000 लिखी है। तो आप देखें जब इस 10% को और 12% को सॉल्व करेंगे तो 2% बचेगा, 2% को यहाँ पे लेके जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, और 10,000 यहाँ पे लेके आएंगे तो 40,000 बचेगा, यानी कि 2% ये बराबर हो जाएगा कितने की, 40,000 के। कितने के बराबर हो जाएगा, 40,000 के। 1% की अगर यहाँ पे वैल्यू निकालो तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 20,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20,000। और आप देखो अगर यहाँ से हम लोग 100% की वैल्यू निकालें, अगर यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें तो अगर 1% 20,000 के है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 100% कितने के बराबर हो जाएगा बोलो भाई, 100% हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा। तो आप देखें ये जो 4 जीरो हैं इन पे क्या होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगी, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इनकम हो गई वो कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 20 लाख हो गई। कितनी हो गई, 20 लाख। इनको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 20 लाख पढ़ेंगे। अब उन्होंने पूछा क्या था, देखिए 100% की हम लोगों ने वैल्यू निकाली है तो आपको पता है कि 100% क्या है, ओरिजिनल है, 100% क्या है, ओरिजिनल। लेकिन उन्होंने ओरिजिनल नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा इंक्रीज्ड बताइए, ठीक है। तो आपको पता है कि इंक्रीज्ड होने के बाद कितनी हो जाएगी, 20 ओरिजिनल थी, 5 और बढ़ गई, तो ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं सभी बच्चों को, इतनी बात क्लियर होगी सभी को, पक्का कोई डाउट, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से मैंने समझाया सभी बच्चों को, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बच्चा जल्दी से देखना है, ठीक है। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 55 में, इन्होंने कहा इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड ₹6,000। देखिए जैसे वहां पे बताया था ऐसे यहां पे बताया है कि जो इनकम है वो कितनी बढ़ गई, 6,000 बढ़ गई। तो देखिए एक बार फिर से हम लोगों ने मान ली कि जो हमारे पास पहले इनकम थी, पहले इनकम कितनी थी, 100% थी, अब इनकम क्या हुई, 6,000 बढ़ गई, यानी कि 100% प्लस 6,000 हो गई, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, पहले हम लोगों ने मान लिया कि इनकम जो है वो 100% थी, अब 6,000 क्या हो गई है, बढ़ गई है, यानी कि कितनी होगी, 100 प्लस 6,000 हो गई। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पुराने वाले का, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इन्होंने कहा कि ऐसा करने पर जो टैक्स रेट था वो 18 से 15% हो गया, यानी पहले उसको टैक्स 18% देना पड़ता था, लेकिन अब केवल टैक्स 15% देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है, 15% देना पड़ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताइए क्या, इन्होंने कहा व्हाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री। इन्होंने बताया कि देखें जो इनकम, टोटल इनकम थी, उसमें से 25% पे टैक्स नहीं देना। जैसे आपसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप में से कोई टोटल 2 लाख रुपए कमाता है, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना, इसका मतलब जो बाकी का रिमेनिंग बचेगा 1 लाख, केवल आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर 25% पे टैक्स नहीं देना, इसका मतलब हमें जो टैक्स देना पड़ेगा वो केवल किस पे देना पड़ेगा, 75% इनकम पे देना पड़ेगा। किस पे देना पड़ेगा, 75% इनकम पे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, ये टोटल इनकम है, इस इनकम का अगर हम 75% निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, और इसका 15% निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि टैक्स कितना होगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इनकम है इसका हम लोग 75% निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। कितना क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई, और इसका अगर हम लोग 18% निकाल लेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, टैक्स मिल जाएगा। आगे उन्होंने कहा फाइंड हिज इनिशियल इनकम, देखिए इनिशियल इनकम निकालनी यहाँ पे, इफ ही पेड इक्वल टैक्सेस। इन्होंने कहा कि टैक्स दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल पे कर रहे हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बताया गया है कि जब ऐसा हुआ तो दोनों के द्वारा पे किया जाने वाला जो इनकम टैक्स था वो क्या था, बराबर था। अब आप देखो 75 से 75 तो हो गया कैंसिल आउट, बस बाकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देखिए 15 का जब मल्टीप्लाई होगा 100% में तो 15% आएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 15% 00 से 00 गए, 15 छक्का 90, और 10 जैसे लिखा है वैसे ही, तो 900 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब आप देखो फिर से समझो, यहाँ पे 100% का 18% निकालना है तो ये कितना आएगा, 18% आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। अब 15% यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा, 3% बचेगा। कितना बचेगा, 3%। तो 3% बराबर हो गया 900 के, तो 1% कितने के बराबर आएगा, 1% बराबर आएगा 300 के। 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 300 के बराबर हो जाएगा। और अगर 1% 300 के बराबर है तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 300 तो है ही, 00 हमें और बढ़ा देना है,
00 और बढ़ा देना है, यानी कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 30,000 हो जाएगा। तो देखें उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने प्रारंभिक आय पूछी थी। वो प्रारंभिक आय आपको पता है आपने कितनी मानी थी, 100%। इसका मतलब यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। यही क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत समस्या परेशानी, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी की? समझ आ गया, समझ आ गया। चलो तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से सभी बच्चे एक बार बता देंगे कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है या नहीं हो गया है। जल्दी से बताओ बेटा सभी बच्चे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखिए बेहद आसान है, बिल्कुल सिमिलर था। तो आपने देखा कि 54 और 55 नंबर का क्वेश्चन जो है था बिल्कुल सिमिलर था। अब हमें देखना है 56 नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक ट्रेडर है जो एक सेल्समैन हायर करता है, इस कंडीशन पे करता है कि वह 12% क्या देगा, उसको कमीशन देगा। देखें यहाँ पे टैक्स नहीं है बेटा, यहाँ पे टैक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, कमीशन है। कमीशन का मतलब क्या होता है, जैसे जस्ट इमेजिन करिए कि एक सेल्समैन हायर किया, एक सेल्समैन क्या किया, हायर किया सेल्समैन को। मान लीजिए सेल्समैन ने 100 रुपए की बिक्री की और इन्होंने कहा कि उस पे 12% कमीशन देना है। क्या कहा, 12% क्या देना है, कमीशन देना है। तो अब देखिए अगर 12% कमीशन देना है तो इसका मतलब 100% का 12% कमीशन चला जाएगा, यानी कि 100 के में से 12 रुपए किसको मिल जाएंगे, सेल्समैन को मिल जाएंगे। किसको मिल जाएंगे, सेल्समैन को। तो अगर कोई सेल्समैन 100 रुपए की बिक्री करते करता है, यानी कि 100 की अगर सेल होती है तो 12 रुपए जो है वो किसको मिलेंगे, सेल्समैन को मिलेंगे। और वो कंपनी में जाके कितने पैसे देगा, कंपनी में जाके वो 88 रुपए जमा करेगा। कितने करेगा, कंपनी में भी वो 88 रुपए जमा करेगा। फिर से समझिएगा, अगर 100% की सेल हुई, 12% कमीशन है, तो 12% किसको मिलेंगे, सेल्समैन को मिलेंगे। तो जो कंपनी में डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, 88% होगा। अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि अगर हमारे पास जो कमीशन है ये बढ़ जाता है, जस्ट इमेजिन करिए कमीशन हो गया 13%। अगर कमीशन 13% हो गया, सेल्स अभी भी 100% की है, तो आप देखिए कंपनी में कितना जमा होगा, 87%। कितना जमा होगा, 87%। तो देखें अगर सेल्समैन को 1% का बोनस मिलता है तो कंपनी की इनकम में 1% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये बात समझ आ गई, यानी कि जितनी सेल्समैन का बोनस बढ़ेगा उतना कंपनी की टोटल रेवेन्यू में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से समझ लीजिए कि अगर आपने 100 रुपये कमाए, 12% मान लीजिए आपने एक व्यक्ति नियुक्त किया था, आपने कहा था कि 100 रुपये पे हम 12 रुपये आपको देंगे, यानी जितनी भी बिक्री करके आओगे 12% आपको देंगे। तो अगर उसने 100 की बिक्री करी होगी तो 12 रुपये आप उसको दोगे और 88 रुपये किसको मिलेंगे, आपको मिलेंगे, आपको मतलब आपकी जो कंपनी है उसको। अगर ये टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा, 12 से 13 हो जाएगा, तो आपको 1% क्या मिलने लगेगा, कम मिलने लगेगा। बोलो इतनी बात समझ आ गई सभी को, जल्दी से बताएं इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ गई या नहीं आ गई। चलो समझ आ गई, जल्दी से बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई है। देखिए बहुत आसानी से समझाया, बेहद आसानी से समझाया, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, क्या कहा क्वेश्चन में, इन्होंने कहा कि देखिए जो टोटल सेल्स होती है उस पर वो 12% का कमीशन देता है, लेकिन अगर 9,000 के ऊपर सेल होगी तो 3% का क्या देगा, बोनस देगा। देखिए इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब है कि अगर वो 9,000 तक की सेल करके आता है, अगर वो 9,000 तक की सेल करके आता है तो कमीशन 12% ही मिलेगा। लेकिन अगर 9,000 से वो प्लस जाता है, 9,000 से वो क्या जाता है प्लस, मान लीजिए उसने 10,000 की सेल करी तो 9,000 से कितना प्लस चला गया, 1,000 प्लस चला गया। अगर उसने 11,000 की सेल करी तो 9,000 से कितना प्लस चला गया, 2,000 प्लस चला गया। तो उन्होंने कहा कि जो अगर वो 9,000 से ऊपर करेगा तो उसको बोनस मिलेगा। देखें यहां पे भी ध्यान से समझिएगा, अगर वो यहां पे लिखते कि 3% का कमीशन मिलेगा तो इसका मतलब कुछ और है, लेकिन यहां पे लिखा 3% का बोनस मिलेगा तो इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, कमीशन का मतलब और बोनस का मतलब अलग अलग होता है। कमीशन का मतलब होता है कम और बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यानी जो मिल रहा था वो तो मिलना ही है, प्लस यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या होगा, 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी यहाँ पर कुल कमीशन कितना मिलेगा, 15% का मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा, 15% का मिलेगा। बोलो इतनी बात समझ आ गई कि नहीं, इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, बोलो आ गई।
ठीक है। तो आप देखिए 9000 तक 12% कमीशन मिल रहा है, 9000 से ऊपर 15% कमीशन मिल रहा है। अब हम लोग करते क्या है, देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिकली सॉल्व करेंगे तब तो ये काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जस्ट इमेजिन करिए, अगर मैं टोटल सेल्स यानी 9000 और 9000 प्लस में जो सेल हुई है, अगर मैं सब पे 15% कमीशन दे दूं, यानी कि अगर मैं टोटल सेल पे 15% कमीशन दे दूं, टोटल सेल तो पता नहीं, मान लीजिए आपकी टोटल सेल 100% है, कितनी है 100%, अगर मैं इस पे 15% का कमीशन दे दूं पूरी की पूरी सेल पे, तो ये बात सही होगी या गलत होगी? तो आप कहेंगे सर गलत होगी। अगर मैं पूरी की पूरी सेल पे 15% का कमीशन दे दूंगा तो ये बात सही होगी या गलत होगी? तो आप कहेंगे सर ये बात गलत होगी। बोलो गलत क्यों होगी, समझिएगा। देखें इस पर हमें 12% का कमीशन देना था भाई, इस पे तो 15% का देना था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9000 तक हमें 12% का कमीशन देना था, लेकिन अगर हम टोटल पे 15% का कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि इस 9000 पर भी हम लोग 15% का कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि 12% का हमें करना था। इसका मतलब इस पे 3% एक्स्ट्रा कमीशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जरा इसके 3% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9000 के 3% की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, 270 आएगी। कितनी आएगी बेटा, 270 आएगी। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल पे 15% कमीशन ले लेंगे तो जो एक्चुअल में कमीशन की वैल्यू आएगी वो 270 कम आएगी। क्या आएगी, 270 कम आएगी। या हम कहें कि इस पे हमने क्या कर लिया, ज्यादा कैलकुलेट कर लिया। देखिए इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि सेल्समैन को जो कुल कमीशन मिला था वो कितना मिला था, 1980 मिला था। देखिए 1980 तब मिला था जब 9000 तक 12% था और 9000 के ऊपर कितना था, 15% था। लेकिन अगर हम पूरे पे 15% कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, ये 270 एक्स्ट्रा आएगी। तो देखिए दो तरीके हैं, या तो हम इससे 270 कम कर लें, या फिर इसमें 270 क्या करें, ऐड कर दें। जैसे ही हम लोग ये काम करेंगे तो ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, जल्दी से बताओ सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। आई होप सभी समझ पा रहे होंगे, सभी बच्चों को ये समझ आ गई होगी। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब क्वेश्चन को केवल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 15%, यहाँ पे कितना आएगा, 15%, बराबर में क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व कर लेते। तो 1900 में 200 जुड़ेगा तो 2100, और 80 में 70 जुड़ेगा, 80 में 70 जुड़ेगा तो 150, ठीक है। तो 2100 में 150 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2350 हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से हम लोग निकालते हैं 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से देख लेते हैं। तो 15 बन जा 15, बचेगा कितना, 5 3 8 हो जाएगा 85, 15 5 जा ये, एक बार सभी देख लें हम लोगों ने कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो कैलकुलेशन है वो सही हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। वैल्यू में कुछ गलत तो नहीं लिखा है, नहीं बिल्कुल सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। ये वैल्यू मैंने सही, अच्छा 2350 नहीं होगी, ये 2250 होगी, बिल्कुल 2250 होगी। तो देखें 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से 7 बचेगा, 15 5 75, 150 बचेगा। 1% की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 150। तो यहां से आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी, क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग 100% की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 20 और बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 20 और बढ़ जाएंगे। तो आप देखें ये हमारे पास टोटल सेल आ गई कितनी, 15000। टोटल सेल कितनी आ गई, 15000। क्या पूछा था इन्होंने, टोटल सेल पूछा था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ सभी बच्चों को ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई। आई होप सभी बच्चे इसको समझ पाए होंगे, ठीक है, सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल इसी जैसा, तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है। तो 57 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, देखिए यहां पे क्या कहा, इन्होंने कहा कि 9% कमीशन मिलता है कब तक, एक सेल्समैन को, लेकिन 1% का बोनस मिलता है अगर 20,000 से ऊपर की सेल होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर 20,000 तक की सेल होगी
अगर 20,000 तक की सेल होगी तो 9% कमीशन मिलेगा, ठीक है। अगर 20,000 से ऊपर की होगी, यानी 20,000 प्लस अगर सेल जाएगी, तो जो कमीशन होगा वो 9% प्लस 1%, यानी कि कितने का होगा, 10% का होगा। कितने का होगा बेटा, 10% का होगा। बोल, इतनी बात समझ आई कि नहीं? इतनी बात समझ आ गई। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपको मैंने ट्रिक सिखाई थी, मैंने क्या सिखाया था कि देखिए, आपको केवल यहां पे देखना है कि सेल्समैन का पैसा दिया है या कंपनी का पैसा दिया है। तो आप देखें, ये जो 63,200 जमा किया है, ये कंपनी में जमा किया है। किसमें किया है? कंपनी में। तो हम लोग करते क्या है कि पूरी की पूरी सेल पे मैक्सिमम वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं पूरी की पूरी सेल पे, यानी टोटल सेल पे, अगर मैं 10% कमीशन ले लूं, अगर मैं टोटल सेल पे 10% कमीशन ले लूं, तो हमें पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट ऐसा है जो कि सेल्समैन को दिया गया है। अगर मैं टोटल वैल्यू का 10% निकाल लूं, तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी वैल्यू सेल्समैन को दी गई है। लेकिन देखें, यहां पे तो कंपनी की वैल्यू दी है। तो अभी मैंने सिखाया था कि अगर 10% कमीशन मिलता है तो कंपनी के पास कितने जमा होंगे, 90% मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 90। तो आप देखें, अगर मैं इस 100% का 90% निकाल लूं, अगर मैं इस 100% का 90% निकाल लूं, तो आपको पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा बोलो, जल्दी से बताओ आपको क्या पता लग जाएगा? आपको पता लग जाएगा कि कुल कंपनी में कितना पैसा जमा किया गया है। बोलो, पता लग जाएगा कि नहीं? अब ये जो पैसा आएगा, देखिए, ये जो पैसा आएगा वो एक्चुअल से कम होगा या ज्यादा होगा, वो आपको बस समझना है। कितना जमा किया, कितना जमा किया भाई? 63,200 जमा किया। कितना जमा किया? 63,200 जमा किया। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? 63,200 रुपए जमा किया है। अब देखें, इसको आगे आपको समझना है, ठीक है। मैंने आपको अभी समझाया था, देखिए आपने क्या किया, ओवरऑल टोटल पे 10% वैल्यू ली है। इसका मतलब इस पे आपने 1% एक्स्ट्रा ले लिया, और इस पे 1% एक्स्ट्रा का मतलब आपने 200 ज्यादा ले लिया। आपने 200 क्या लिया? ज्यादा लिया। तो देखिए, अभी आपने जब सेल्समैन में बात करी थी, तो सेल्समैन में ये 200 रुपये क्या किया था? ऐड किया था। सेल्समैन के लिए ये क्या किया था? ऐड किया था। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, कंपनी की बात है। तो आपको पता है कि कंपनी जो पैसा देगी वो अपने पास से ही तो देगी। अगर बोनस दे रही है तो सेल्समैन को एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो कहाँ से देगी? अपने पास से। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये थे, आपके पास 80 रुपये थे, मैंने आपको 20 रुपये दे दिए, तो मेरे पास से 20 कम हो जाएंगे ना, तो तभी तो हम आपको दे पाएंगे। तो यहां पे हमें 200 क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? कम करना पड़ेगा। अब हम इसको बराबर कर सकते हैं, बस इस वैल्यू को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इस वैल्यू को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए, यहां पे कितना आ रहा है? 90%। 90% बराबर कितने के आ जाएगा? ये आ जाएगा 63,000 के। कितने के बराबर आ जाएगा? 63,000 के। निकालना क्या है? कुल सेल, मतलब 100% की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की। तो अब देखिए, 90% अगर इसके बराबर है, तो 10 से 10 निपटा दो। 9 से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना? 700 टाइम्स हो जाएगा, और बस 2 जीरो और बढ़ाने हैं। क्या करने हैं? 2 जीरो और बढ़ाने हैं। तो 1% बराबर आएगा 700 के, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा आपका 70,000 के, ठीक है। कितने के बराबर हो जाएगा? 70,000 के बराबर हो जाएगा। बोलो, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी से बताओ, ठीक है। यानी कि जो टोटल सेल है वो कितने की हुई है? 70,000 की हुई है। टोटल सेल कितने की हुई है? 70,000 की हुई है। तो मैं यहां से पूरा भरोसा कर सकता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। देखें, 56 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसा ही था, 57 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा है, बस दोनों में एक डिफरेंस है। वहां पर आपको सेल्समैन का पैसा दिया था, यहां पर आपको कंपनी का पैसा दिया है। सेल्समैन को पैसा कौन देगा? कंपनी देगी। सेल्समैन को पैसा कौन देगा? कंपनी देगी। अगर कंपनी सेल्समैन को पैसा दे रही है, तो सेल्समैन के में ऐड होगा और कंपनी में क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि सेल्समैन को पैसा कौन दे रही है? कंपनी दे रही है। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है। प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको सारी बातें क्लियर रहेंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आप प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी अब आपको नहीं होगी, ठीक है। चलो, जल्दी से एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, इसके बाद आपका टैक्स खत्म हो जाएगा। तो देखिए, यहां पे क्या कहा इन्होंने, कहा कि 10,000 तक की अगर हम लोग बिक्री करें, अगर 10,000 तक की बिक्री करी जाए, तो वहां पर 5% का कमीशन दिया जाता है। 10,000 तक की बिक्री पर जो कमीशन है वो कितने का है? उन्होंने बताया 5,000 का कमीशन है। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर 10,000 से अधिक
की सेल होगी तो कमीशन 4% रहेगा। देखिए यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पर खास बात क्या है आप सभी बच्चे जान लीजिए, यहाँ पर खास बात ये है कि उन्होंने आपसे बोनस की बात नहीं की। अभी तक आपके पास इससे पहले जो दो क्वेश्चन आपने इस पैटर्न पे किए थे उसमें बोनस की बात हुई थी, उसमें क्या हुई थी, बोनस की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे बोनस की बात नहीं हुई। यहाँ पे इन्होंने कहा पहले भी कमीशन कहा था, अब भी कमीशन कहा है, यानी कमीशन क्या हो गया, कम हो गया। आप इसको 5% माइनस 1% भी कह सकते हो, बोलो कह सकते हो कि नहीं, कह सकते हो, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे क्या दिया, उन्होंने कहा कि सेल्समैन कंपनी के पास 31,100 रुपए डिपॉजिट कर रहा है, 31,100 रुपए कंपनी के पास क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। आप समझिएगा ध्यान से, अगर मैं पूरी सेल्स पे 5% का कमीशन ले लूं, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसी ट्रिक से चल रहे हैं, अगर मैं पूरी वैल्यू पर 5% का कमीशन ले लूं, सेल्स मान ली 100%, उस पर 5% का कमीशन ले लिया, तो 5% अगर हम निकालेंगे तो हमें कौन सा अमाउंट पता लगेगा, अगर हम 5% निकालेंगे तो कौन सा अमाउंट पता लगेगा, ये हमें अमाउंट पता लगेगा। देखें आपको अगर ये माइनस वाला अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बेटर रहेगा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अभी तक हमने इसी को बदला था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4% + 1%, क्या लिख सकते हैं, 4% + 1%, ऐसे कर लेते हैं, आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरी सेल पे 4% का कमीशन ले लेते हैं, पूरी सेल पे 4% का कमीशन। अगर पूरी सेल पे 4% का कमीशन मिलेगा तो इसका मतलब सेल्समैन को 4% मिलेगा, और अगर सेल्समैन को 4% मिलता है तो कंपनी को बोलो कितना मिलेगा, कंपनी को कितना मिलेगा, 96% मिलेगा, हाँ या ना, कंपनी को कितना मिलेगा, 96% मिलेगा, बोलो हाँ या ना। अब आप देखें, इन्होंने बताया कि कंपनी को 31,100 मिला है, कंपनी को कितना मिला, 31,100। अब आप देखें, अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें, अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो आपको बताना है कि ये वैल्यू एक्चुअल से एक्स्ट्रा आएगी या कम आएगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि ये जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल से एक्स्ट्रा आएगी या कम आएगी। देखें, कमीशन हमें पहले पे 5% देना था, दूसरे पे 4% देना था, तो यहां पर तो हमने 4% ही कैलकुलेट किया, यहां पर भी 4% कैलकुलेट किया, यानी 10,000 तक हमने 1% कम कैलकुलेट किया, बोलो ये बात समझ आई कि नहीं। इसका मतलब सेल्समैन को हमने 1% कम दिया, और अगर सेल्समैन को 1% कम दिया तो इसका मतलब हमने कंपनी को 1% क्या दे दिया, ज्यादा दे दिया, कंपनी को क्या कर दिया, 1% ज्यादा दे दिया। इसका मतलब ये जो अमाउंट है वो एक्चुअल से ज्यादा आ रहे हैं, ये अमाउंट एक्चुअल से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहे हैं, तो 31,100 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, 31,100 को भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो देखिए इस वैल्यू का जब आप 1% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, कितना आएगा, 100 आएगा, इसका मतलब 100 बढ़ाना पड़ेगा। अब हम इसको बराबर कर सकते हैं, तो देखिए अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 96% बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 31,200, बराबर में कितना हो जाएगा, 31,200 हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से निकालेंगे 1% की वैल्यू, क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो देखें 312,200/96, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है, बोलो। तो देखें एक बार 12 से देखते हैं, 12 से ये 8 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 × 2 = 24, बचेगा कितना, 7 × 72 = 2600, 8 से करते हैं तो 8 × 3 = कितना हो जाएगा, 24, बचेगा 2 हो जाएगा 20, 8 × 2 = 16, बचेगा 4 हो जाएगा 40, 8 × 5 = 40, तो 325 आ जाएगा 1% की वैल्यू। तो अगर 1% 325 के बराबर है तो बोलो 100% किसके बराबर होगा, 100% बराबर हो जाएगा 32,500 के, किसके बराबर हो जाएगा, 32,500 के, यानी जो टोटल सेल हुई है वो कितनी हुई है, 32,500 की हुई है, टोटल सेल कितनी हुई है, 32,500 की हुई है। अगर वो पूछे आपसे कि 10,000 से ऊपर सेल कितनी हुई, तो आपको पता है कि 32,500 की टोटल सेल है, इससे अगर हम 10,000 हटा दें तो हमें पता लग जाएगा कि 10,000 से ऊपर 22,500 की सेल हुई है, कितने की सेल हुई है, 22,500 की, बोलो ये बात समझ आगे की थी, समझ में आ गया ऐसा भी बच्चों को, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को यहां पर अभी बता सकते हो, या फिर ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो, वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। तो बेटा ये था आज आपका सेशन, यहां पर हम लोगों ने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि आपको पता है कि कल से आपका IBPS PO का बैच और क्लर्क का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, 2 बजे कंप्यूटर, 3 बजे जनरल अवेयरनेस,
इसके अलावा 4 बजे आपका होता है मैथ्स का सेशन, 5 बजे रीजनिंग का और 6 बजे इंग्लिश का। तो आप में से जितने भी बच्चे और आपके जितने साथी आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे इस सेशन को जरूर अटेंड करेंगे। ये वो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपके साथ इस सेशन को डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी लोगों के नाम दिए हैं, आप इनको पढ़ लेंगे और स्क्रीन शॉट लेने के बाद अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देंगे। बहुत ही शानदार टीम है जो आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाली है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको बैंकपुर के नाम से मिलेगा। किसके नाम से मिलेगा? बैंकपुर के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो चैनल है वो बैंकपुर के नाम से है। आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो जितने बच्चों ने अभी तक बैंकपुर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, एक बार आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि आज का सेशन आपका फिनिश हो चुका है और इसी के साथ परसेंटेज भी फिनिश हो चुका है। अब हम लोगों की जब कल मुलाकात होगी तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप सभी बच्चे जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का आपको सेशन, और अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगी तो आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।